Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope so you are all fine and will be in good condition. So let's start with the name of Allah Almighty. I will explain the summer vacation work of class 2. Main aap logon ko class 2 ka summer vacation work jo hai wo explain karungi. Aur main ek baat aap logon ko batana chahti hu ki hamara syllabus aisa nahi hai ki hum logon ne just pages number mention kar diye. No. Firstly hum logon ne topic ko thoda explain kiya aur uski next usse related questions wagaira diye hain. तो सो प्लीज़ इसको एक दफ़ा सुन लीजिए और देख लीजिए और फिर इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इजी होगा बच्चों को काम करवाना. सो लेट्स स्टार्ट विद द नाउन. फर्स्ट क्वेश्चन इज नाउन. नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, एनिमल्स आर थिंग्स. क्या आपको पता है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी थिंग, नेमिंग वर्ड. जो भी किसी चीज़ का नेम होता है उसे हम नाउन कहते हैं. आगे उसकी जो है वो टाइप्स एक्सप्लेन कर दी गई हैं. इट कैन बी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. इफ़ यू फोकस्ड ऑन द वर्ड, अगर आप वर्ड पे फोकस करें, काउंट, काउंट मीन गिनना, काउंट नाउन्स यानी कि ऐसे नाउन्स, ऐसे नाम जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम लोग कहेंगे काउंट, काउंटेबल नाउन्स. फॉर एग्जांपल टू एप्पल्स, एप्पल इज़ अ नाउन. अब ये हमारे पास एक नाउन है तो अब टू जो है यानी कि टू हमें बता रहा है कि एप्पल्स कितने हैं, टू हैं. इसी तरह थ्री बनानास, थ्री क्या है, काउंट, वी कैन काउंट द बनानास, हम बनानास को भी काउंट कर सकते हैं. दीज आर काउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स, नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड. फॉर एग्जांपल राइस, तो हम चावलों को काउंट नहीं कर सकते. इसी तरह मिल्क, हम मिल्क को भी काउंट नहीं कर सकते. तो दीज आर द अनकाउंटेबल नाउन्स. नाउ गिव टाइम टू योर चाइल्ड, टू योर स्टूडेंट्स एंड आस्क हिम टू ऑब्जर्व द नाउन्स, इधर इट इज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल. तो अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने करना है वो शीट्स पर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर वन की स्टेटमेंट लिखनी है और 10 काउंटेबल नाउन्स लिखने हैं एंड 10 अनकाउंटेबल नाउन्स लिखने हैं. नेक्स्ट कम टूवर्ड्स द वर्ब. वर्ब क्या है, वर्ब इज़ द एक्शन वर्ड, अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन यानी बाई यूजिंग द बॉडी पार्ट्स. हम बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हुए जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं. सिर्फ हम बॉडी पार्ट्स ही यूज़ नहीं करते, हम फाइव सेंसेस भी यूज़ करते हैं. कोई भी मतलब किसी भी चीज़ को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम वर्ब करेंगे कहेंगे. अब नाउ वर्ब्स हैज़ टू टाइप्स, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स. अब रेगुलर वर्ब्स कौन से हैं, जैसे कि अगर आप इसके नाम पे फोकस करें तो आपको पता चलेगा कि रेगुलर मीन बकायदा, यानी कि जब हम रेगुलर वर्ब्स में इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो चेंज नहीं होती, वो सेम टू सेम वैसी ही रहती है, जस्ट हम उसके आगे ईडी ऐड कर देते हैं. अब ईडी ऐड करने के भी डिफरेंट रूल्स हैं, इसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बना चुकी हूँ. अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं इसका लिंक जो है वो रेगुलर वर्ब्स का वो मैं शेयर कर दूंगी, आप उसको देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा. सो कम टू वर्ड्स द टॉक. अब टॉक, अब टॉक के आगे ईडी लगाएंगे तो दैट विल बी द सेकंड फॉर्म, फिर ईडी लगाएंगे तो दो वो क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी. इसी तरह चेज में ई पहले ही मौजूद है तो हमें ई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वी विल ऐड द डी, तो ये क्या हो जाएगा, चेस्ट, चेस्ट. कैरी, कैरी कैंड पे वाई आ रहा है, वी विल रिमूव द वाई एंड वी विल ऐड आई इंस्टेड ऑफ वाई. अब हम वाई की बजाय क्या लिखेंगे, उसमें आई लिखेंगे और देन वी विल ऐड द ई डी, कैरीड, कैरीड. एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के आगे हम ई डी लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड. इसी तरह प्रोटेक्ट है, प्रोटेक्ट के आगे ई डी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड. नाउ कम टू वर्ड्स द इरेगुलर वर्ब्स. इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं कि जब हम उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो जो फर्स्ट फॉर्म है वो बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म से डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्विम, स्वैम, स्वम, टीच, टॉट, टॉट, बाय, बाट, बाट, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, डू, डिड, डन, सेल, सोल्ड, सोल्ड, वियर, वोर, वॉर्न, ईट, एट, ईटन, रन, रैन, रन. ये सारी क्या हैं, रेगुलर और वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स की एग्जांपल्स हैं, उनकी फॉर्म्स हैं. ये आप लोगों ने क्या करनी है, इनको अच्छे तरीके से लर्न करना है. फर्स्टली डियर स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड कि नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड. नाउन नेमिंग वर्ड होता है और वर्ब एक्शन वर्ड होता है. अगर कोई वर्ड है वो किसी का नेम है तो वो नाउन होगा. फिर आपने उस नाउन को चेक करना है कि इधर वी कैन काउंट दिस नाउन, क्या हम इस नाउन को काउंट कर सकते हैं. अगर हम उसको काउंट कर सकते हैं देन इट इज़ काउंटेबल नाउन्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेंसिल्स. अब पेंसिल इज़ अ नाउन बिकॉज इट इज़ अ नेम ऑफ अ थिंग. अब आप करें कि अगर आपके पास बहुत सारी पेंसिल हो, कैन यू काउंट, आप काउंट कर सकते हैं ना, तो दैट इज़ काउंटेबल नाउन्स. चेयर्स, चेयर इज़ काउंटेबल. टेबल, टेबल इज़ काउंटेबल. बट
water. We can't count it. It is uncountable. Now come towards the second page, that is preposition. A preposition is a word or group of words used before a noun or pronoun to show time, location and relationship. अब जो प्रपोजिशन है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, ये क्या हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है जो हम नाउन या प्रोनाउन के साथ लगा देते हैं, उससे पहले लगाते हैं टू शो द टाइम बताने के लिए, लोकेशन उसकी पोजीशन वगैरह बताने के लिए या उसके साथ उसका रिलेशन बताने के लिए हम लोग प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। तो अब हम लोगों ने इसमें जो आपको दी गई है प्रपोजिशन इन, एट, बिटवीन, ऑन भी हो सकती है, नियर भी हो सकती है, तो इन सबको यूज़ करते हुए आपने इन पिक्चर्स को देखना है और देखना है कि इसमें कौन सी पोजीशन प्रपोजिशन जो है वो यूज़ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन सी द फर्स्ट पिक्चर, के फर्स्ट पिक्चर के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, दिस इज़ प्लेट, ठीक है, तो आप प्लेट जो है वो ओपन है। अब जब किसी चीज़ कोई चीज़ ओपन हो तो हम फिर उसको इन नहीं कहते कि वो उसमें नहीं है, दिस इज़ ओन, ये उसके ऊपर है। तो आप स्पून को चेक करें, द स्पून इज़ ऑन द प्लेट, जो स्पून है वो उसके क्या है, ऊपर है। सिमिलरली द कप इज़ ऑन द प्लेट, कप भी जो है वो प्लेट के ऊपर है, बट टी इज़ इन द कप, लेकिन जो टी है वो क्या है, कप के अंदर है। यानी कि मैंने ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें मैंने क्या बताना है कि इस पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है, स्पून किधर है, वेयर इज़ स्पून, वेयर इज़ टी, तो मैं प्रपोजिशन को यूज़ करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वेयर इज़ टॉय, अगर आप थर्ड वाली पिक्चर को देखें तो उसमें जो आपको टॉय नज़र आ रहा है या फिर आपको टेडी बियर नज़र आ रहा है, वेयर इज़ टेडी बियर, टेडी बियर इज़ अंडर द अम्ब्रेला, वो अम्ब्रेला के क्या है, नीचे है। इसी तरह मैन, वेयर इज़ मैन, मैन इज़ ऑन द ऑन द, नीचे क्या है उसके, आप कह सकते हैं कि ही इज़ ऑन द कोई सरफेस बनी हुई है, ये उसके ऊपर है, तो ये उसके ऊपर है इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही इज़ ऑन द सरफेस, वो सरफेस के ऊपर है। तो ये सारी इसके अंदर हम लोगों ने यूज़ की हैं, इनकी पोजीशन बताई है हम लोगों ने कि वो किधर हैं बाय यूजिंग द प्रपोजिशन। इसी तरह यानी कि आप लोगों ने इस पिक्चर को ड्रा करना है और आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज़ नेक्स्ट टू, बिटवीन, अबव, नियर, इन टू, इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड इन सेंटेंसेस। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू मीन आगे, अब इसको आपने सेंटेंस में यूज़ करना है, बिटवीन मीन दरमियान, अबव ऊपर, नियर करीब, इन टू, इन टू के उसके अंदर है, इन फ्रंट ऑफ सामने, बिहाइंड पीछे, इनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द नेम्स ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर एंड लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने क्या करना है कि नेम ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, 2-2 टाइम्स लिखने हैं और उनके स्पेलिंग्स भी क्या करने हैं, लर्न करने हैं। उसके अलावा ये आपको कुछ स्पेलिंग्स दिए गए हैं, क्लाउड, डे, फ्लावर, गार्डन, ग्रास, लेक, लीफ, नाइट, पाउंड, रेन, रिवर, रॉक, सीट, स्काई, स्नो, स्टिक, सन, ट्री, वाटर, माउंटेन। आप लोगों ने इनके क्या करने हैं, स्पेलिंग्स लर्न करने हैं। राइट द नेम्स ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर्स एंड लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग, वो लिखने हैं और ये आप लोगों ने ये जो स्पेलिंग्स दिए गए हैं ये आप लोगों ने क्या करने हैं, लर्न करने हैं। अभी तक हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 आई थिंक सो के आपको क्लियर हो गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। Now come towards the next page. So this is our third page and this is comparatives. Students are already familiar with the adjectives. Students जो है वो adjectives के बारे में पहले ही जानते हैं। Adjective describes a noun. यानी कि ऐसा word जो noun को describe करता है उसको हम लोग adjective बोलते हैं। For example, poor shoemaker. What is shoemaker? Shoemaker is noun and poor is the adjective. तो अब क्या होता है कि हम लोग एडजेक्टिव में क्या करते हैं कि चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, फॉर एग्जांपल एक पुअर है, एक उससे भी ज़्यादा पुअर हो सकता है, एक ब्यूटीफुल है गर्ल, एक उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है, तो हम लोग उनको कंपेयर करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव्स। वी यूज़ कंपैरेटिव टू से हाउ टू पीपल आर थिंग्स आर डिफरेंट, कि हम ये बताने के लिए कि दो चीज़ें या दो लोग किस तरह मुख्तलिफ हैं हम लोग क्या यूज़ करते हैं कंपैरेटिव्स। रूल्स क्या हैं, देर आर 2 रूल्स ऑफ कंपैरेटिव्स, वी यूज़ ईआर फॉर शॉर्ट एडजेक्टिव्स विद 1 सिलेबल। तो ये 2 क्लास में बच्चों ने बहुत ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया था कि अगर हमारे पास
ऐसा एडजेक्टिव है जिसका वन सिलेबल होता है. अब वन सिलेबल क्या होता है, वन सिलेबल जो है वो क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं वन क्लास में, तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी. वी यूज़ ईआर फॉर शॉर्ट एडजेक्टिव विद वन सिलेबल. अगर किसी का वन सिलेबल होगा तो हमने एडजेक्टिव के साथ जस्ट ईआर ऐड कर देना उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल कोल्ड, कोल्ड कोल्ड हैज़ ओनली वन सिलेबल, सो वी विल ऐड जस्ट ईआर colder. But if an adjective has more than one syllable, अगर किसी adjective के पास एक से ज़्यादा जो है वो syllable होंगे तो फिर हम उससे पहले क्या लगाएंगे, more. For example beautiful, beautiful. तो beautiful has more than one syllable, then to make its comparative degree I will add the more comparative, more beautiful. तो आपने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, make comparative forms of the given adjectives short, shorter, shorter. Interesting, more interesting, long, longer, big, bigger. ठीक है, अब ये जो बाकी रह गए ये आप खुद करेंगे. ये मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए, बाकी बच्चे खुद सिलेबस आइडेंटिफाई करें और उनकी कंपैरेटिव डिग्रीज बनाएं. नाउ कम टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6. डू रीडिंग ऑफ दिस बुक इज़ माई विंडो, यूनिट नंबर 1 एंड लेसन नंबर 4, लर्नर बुक पेज नंबर 16-18. ये आपकी जो लर्नर बुक है पेज नंबर 16-18 उसकी आपने रीडिंग करनी है, जस्ट रीडिंग करनी है. नाउ कम टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7. यूज़ ऑफ कैन, कैन इज़ यूज टू शो द एबिलिटी टू डू समथिंग. फिजिकली जो हम लोग काम कर सकते हैं उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैन यूज़ करते हैं. ही कैन लिफ्ट 200 pounds. डू यू थिंक ही कैन स्टिल बी अलाइव. आई कैन रीड. क्या आप जो जो कर सकते हैं ना उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कैन, जो हम काम कर सकते हैं. मेक एनी 5 सेंटेंसेज विद यूज़ ऑफ कैन. कैन को यूज़ करते हुए आपने 5 सेंटेंसेज बनाने हैं और उनको राइट भी करना है. नाउ कम्स टू वर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9. राइट अबाउट योर सेल्फ. अपने बारे में 10 लाइन्स लिखनी है. क्वेश्चन नंबर 10. राइट एनी 5 योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. आपने इस तरह लिखना है, आई लाइक राइटिंग, मैं लिखना पसंद करता हूँ. आई लाइक रीडिंग, मैं रीडिंग पसंद करता हूँ. आई डोंट लाइक स्विमिंग, मैं स्विमिंग पसंद नहीं करता. आई डोंट लाइक राइडिंग, मैं राइडिंग पसंद नहीं करता. तो इस तरह आपने इनके 5 लाइक्स और डिसलाइक्स लिखने हैं. नाउ कम टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11. राइट अबाउट योर स्कूल. अपने स्कूल के बारे में 10 लाइन्स लिखें. ठीक है, तो ये आपने लिखनी है. और क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट अ सेंटेंस. आप अपनी फैमिली की हेल्प कैसे करते हैं उसके बारे में एक पिक्चर ड्रॉ करें और एक सेंटेंस लिखें. क्वेश्चन नंबर 13. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर पार्टी क्लॉथ्स एंड राइट व्हाट यू आर वेयरिंग. क्या आपने, आप सपोज के यू आर इन अ पार्टी और आपने कौन सा ड्रेस पहना हुआ है, आप उसकी एक पिक्चर बनाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 14. डू रीडिंग ऑफ अ लॉट ऑफ किड्स, पेज नंबर है पेज 30-31. इसी सिमिलरली वी हैव गॉट द होल वर्ल्ड इन आवर हैंड, लर्नर बुक पेज नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 15. डू रीडिंग ऑफ अमेजिंग बर्ड्स फ्रॉम लर्नर बुक पेज नंबर 40 एंड बियर एंड टर्टल हैव अ रेस, लर्नर बुक पेज नंबर 46-49. ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो फुल रीडर है द एल्व्स एंड द शो मेकर, उसको आपने रीड करना है और उसमें से आइडेंटिफाई करने हैं 29 नाउंस, 20 वर्ब्स एंड 10 एडजेक्टिव्स एंड राइट ऑन राफ रजिस्टर. और जिस पे भी आप शीट पे काम कर रहे हैं तो शीट पे लिखेंगे, अगर राफ रजिस्टर पे काम कर रहे हैं तो आप राफ रजिस्टर पे काम जो है ये लिखेंगे. तो ये सारा आपका वर्क है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है. बहुत ज़्यादा नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा है. अगर आप डेली बेसिस पे भी एक क्वेश्चन करते हैं, एक टॉपिक करते हैं या हाफ करते हैं तो आपका 35 डेज़ में काम कंप्लीट हो जाएगा. इसलिए आपने ध्यान से करना है और आप लोगों के साथ जो पहली जो शेयर की गई हैं टिप्स, आपने उनको अच्छे तरीके से फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है. थैंक यू सो मच. फिर भी मैं एक दफ़ा कहूँगी कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क फ्रॉम मी. और थोड़ी सी जो है वो इसलिए स्पीड ज़्यादा रखी गई है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जानी थी.